Welcome in our channel Market News. Please like and subscribe and press the bell icon for latest videos. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज बात करेंगे GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि जैसे वन मंथ का चार्ट मैंने ओपन किया है, यहां पे आपको नज़र आएगा कि जो वन मंथ का लो है 1.70, जो कि 22 फरवरी को यानी पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही आया है, जो कि अभी जो रसिया यूक्रेन का जो वार का सिचुएशन हो रहा है वहाँ पे रसिया इंटरवेन करने का, उसके कारण से लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और उसके कारण से इसमें भी लगातार गिरावट नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ इस गिरावट के बीच में और भी कुछ खबरें निकल कर आई है जो कंपनी के लिहाज से अभी उतनी सही नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वन मंथ का हाई है वो 2.30 का, यानी 2.30 का वन मंथ का हाई है यहाँ पे, और वहाँ से भी लगातार डाउन ट्रेंड इसमें शुरू है। यहाँ पे डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी में भी आप देख सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। इससे पहले क्या था कि वॉल्यूम के साथ कारोबार IDBI ट्रस्ट सेल तो करे थे, लेकिन लगातार बाइंग इंटरेस्ट भी था और शेयर ऊपर की तरफ भी मूव कर रहा था स्लोली। यहाँ पे दोस्तों जो अपडेट निकल कर सामने आई है वो देख सकते हैं, 22 फरवरी का अपडेट है। यहाँ पे जो अपडेट आया कि रेजिग्नेशन ऑफ मिसेस सोनाली चौधरी एज नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी 22 फरवरी 2022। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनके डायरेक्टर है जो भी मिसेज सोनाली चौधरी थी, उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दिया है। तो ये कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के फ्यूचर्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सवाल खड़ा करता है, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से नया आएंगे। और यहाँ पे जैसे कि पहले से यहाँ पे DII का होल्डिंग ज़्यादा है और जिस तरह के इसमें आगे का फ्यूचर नज़र आता है कि जैसे 5G लॉन्च को थोड़ा गवर्नमेंट बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तो जैसे लॉन्च का आएगा उस समय इसका डिमांड ज़्यादा हो सकता है। और जो भी इसमें रिटेल इन्वेस्टर बाई किए हैं वो यही सोचकर बाई किए कि जैसे 5G लॉन्च होगा तो इसका प्राइस इंक्रीज होगा, और ऐसा हो भी सकता है बिल्कुल, क्योंकि 5G लॉन्च होने के बाद टावर्स का डिमांड ज़्यादा, इसके अनऑक्युपाइड शेयर ऑक्युपाइड हो सकते हैं, तो वहाँ पर इसमें तेज़ी आने के चांसेस हैं। तो आप एक्युमुलेट कर सकते हैं इसको, लेकिन इसमें मेरा हमेशा सजेशन यही रहता है कि आप इसमें ज़्यादा कभी भी ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट नहीं करें जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। यहाँ पे दोस्तों इसका डिस्प्यूट अभी भी कोर्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे आप लिमिटेड रिस्क लेकर चले कि जहाँ पे आपको थोड़ा लॉस भी हो तो आप उसको झेल सके। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से बाइंग का ही सलाह दूंगा, और यहाँ पे भी बिल्कुल टारगेट जो रहेगा वो पहला टारगेट 1.85 का रहेगा, दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे रहेगा 2 रुपीज़ का, और जो तीसरा टारगेट रहे वो रहेगा 2.35 का। दोस्तों ये तीनों टारगेट आपको शॉर्ट से मीडियम टर्म में अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएं। और अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल शेयर करता हूँ, मार्केट मूवमेंट भी प्रेडिक्ट करता हूँ। तो दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।